भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मैं शुरू करूं, हिज एक्सलेंसी मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी एंड लेबर ऑफ ऑस्ट्रिया, इंडियन डायस्पोरा के मेरे सभी साथियों, भारत के सभी दोस्त, शुभचिंतक, आप सबको नमस्कार। गुटिन टाग। साथियों, ऑस्ट्रेलिया का ये मेरा पहला दौरा है। जो उत्साह, जो उमंग मैं यहां देख रहा हूं, वो वाकई अद्भुत है। 41 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यहां आना हुआ है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके जन्म के पहले कोई प्रधानमंत्री यहां आए थे। आपको क्या लगता है, इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया ना? चलिए, अब ये इंतजार खत्म हो गया है, अब तो आप खुश है ना? मैंने मुझे बताने के लिए कह रहे हैं कि रियल में खुश है, सच्चा? और साथियों, ये इंतजार खत्म भी एक ऐतिहासिक अवसर पर हुआ है। आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, भारत और ऑस्ट्रिया अपनी दोस्ती के 75 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है। मैं चांसलर कार्ल नेमर को इस शानदार स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इकोनॉमी एंड लेबर मंत्री मार्टिन कोकर का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपका यहां आना ये दिखाता है कि ऑस्ट्रिया के लिए यहां बसे भारतीय कितने खास है।
कितने विशेष हैं। फ्रेंड्स, भौगोलिक दृष्टि से तो भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग छोर पर है, लेकिन हम दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। डेमोक्रेसी हम दोनों देशों को कनेक्ट करती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, प्लूरलिज्म और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट, ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज है। हम दोनों समाज मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल है। दोनों देश हमारे समाज में, हम दोनों देशों की आदत है डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, और हमारी इन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करने वाला एक बड़ा माध्यम चुनाव है। ऑस्ट्रिया में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है, जबकि भारत में हमने अभी 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 हमने लोकतंत्र का पर्व आन बान शान के साथ मनाया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ है। साथियों, आज दुनिया के लोग भारत के इलेक्शन के बारे में सुनकर हैरान रह जाते हैं। जो चुनाव कुछ सप्ताह पहले ही खत्म हुआ है, उसमें 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। मतलब हुआ शायद 65 ऑस्ट्रिया और सोचिए, इतना बड़ा चुनाव होता है लेकिन कुछ ही घंटों में चुनाव के नतीजे क्लियर हो जाते हैं। ये भारत की इलेक्टोरल मशीनरी और हमारे डेमोक्रेसी की ताकत है। साथियों, भारत के इन चुनावों में सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज के 8000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इस लेवल का कॉन्टेस्ट, इतना डाइवर्स कॉन्टेस्ट, तब जाकर के देश में जनता ने अपना मैंडेट दिया है। और देश ने मैंडेट क्या दिया, साठ साल के बाद एक सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर भारत में मिला है।
हमने तो दुनिया में पोस्ट कोविड एरा में चारों तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है। ज्यादातर देशों में सरकारों के लिए सर्वाइव करना आसान नहीं रहा। दूसरे शहरों में भारत के रंग भर दिए हैं। आप दिवाली हो या क्रिसमस, एक जैसे उत्साह से मनाते हैं। आप तोरते और लड्डू दोनों बड़े चाव से बनाते भी हैं और खाते भी हैं। और खिलाते भी हैं। आप ऑस्ट्रिया की फुटबॉल टीम और भारत की क्रिकेट टीम को एक ही जुनून से चीयर करते हैं। आप यहां की कॉफी को एंजॉय करते हैं, साथ ही भारत के अपने शहर वाली चाय की दुकान को भी याद करते हैं। फ्रेंड्स, भारत की तरह ही ऑस्ट्रिया का इतिहास और कल्चर भी काफी पुराना है, शानदार रहा है। एक दूसरे के साथ हमारे संपर्क भी ऐतिहासिक रहे हैं और इसका फायदा दोनों देशों को हुआ है। ये फायदा कल्चर में भी हुआ है और कॉमर्स में भी हुआ है। करीब 200 साल पहले ही वियना की यूनिवर्सिटी में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो गई थी। अठारह सौ अस्सी में इंडोलॉजी के लिए एक इंडिपेंडेंट चेयर की स्थापना से इसे और ऊंचाई मिली। आज मुझे यहां कुछ जाने माने इंडोलॉजिस्ट से मिलने का अवसर भी मिला। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि भारत को लेकर उनकी रुचि बहुत ज्यादा है। भारत के अनेक महान लोगों ने भी ऑस्ट्रिया से बहुत प्यार पाया है। वियना ने रविन्द्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष जैसे हमारे अनेक महान व्यक्तित्वों की मेजबानी की है और गांधी जी की शिष्या मीराबेन का अंतिम समय वियना में ही बीता है। साथियों, हमारा सिर्फ कल्चर और कॉमर्स का रिश्ता ही नहीं है, बल्कि साइंस भी हमें जोड़ती है। बहुत साल पहले
वियना यूनिवर्सिटी में हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन का लेक्चर हुआ था। आज मुझे नोबेल पुरस्कार विजेता एंटोन जाइलिंगा से मुलाकात करने का अवसर मिला। इन दोनों महान वैज्ञानिकों को क्वांटम ने कनेक्ट किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर एंटोन जाइलिंगा उनका काम दुनिया को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। फ्रेंड्स, आज भारत के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। आपका भी यही अनुभव है ना? लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना आपको? ऐसे में भारत आज क्या सोच रहा है, भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर एक बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है। भारत 1/6 ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल ग्रोथ में भी करीब करीब इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको भी डगर डगर पे गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है? फ्रेंड्स, जब आप भारत में हो रहे तेज बदलावों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? मुझे पक्का विश्वास है साथियों, आपका सीना भी 56 इंच का हो जाता है। भारत आज 5th largest इकोनॉमी है। 2014 में जब मैं आया इस सेवा के कार्य में, तब हम 10 नंबर पे थे। 10 नंबर ही नहीं कह रहा हूं, आज हम 5 नंबर पर पहुंच गए हैं।
ये सब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? दोस्तों, आज भारत 8% के रेट से ग्रो कर रहा है। इस स्पीड के साथ क्या होगा मैं बताऊं? बताऊं? आज हम 5 नंबर पे हैं, हम टॉप 3 में पहुंचेंगे। और साथियों, मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेके जाऊंगा। और ये बात मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमारा मिशन 2047 है। में देश आजाद हुआ, 2047 में देश शताब्दी मनाएगा। लेकिन वो शताब्दी विकसित भारत की शताब्दी होगी। भारत हर प्रकार से विकसित होगा। हम आने वाले 1000 वर्षों के भारत की मजबूत नींव आज डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत आज एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन में अभूतपूर्व स्केल पर काम कर रहा है। 10 सालों में, यह आंकड़ा याद रखना जरा, 10 सालों में हर दिन, एवरी डे, 2 नए कॉलेज भारत में खुले हैं। आगे बताऊं, हर हफ्ते 1 नई यूनिवर्सिटी खुली है। पिछले साल हर दिन 250 से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं। भारत आज दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज दुनिया का हर 10वां यूनिकॉर्न भारत में है। बाकी पूरी दुनिया में जितना रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज होता है, उतना अकेला भारत में होता है। हमारे पेमेंट्स डिजिटल है, हमारे प्रोसेस भी डिजिटल है।
भारत लेस पेपर लेस कैश लेकिन सीमलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेंड, आज भारत ब्रेस्ट ब्राइटेस्ट बिगेस्ट और हाईएस्ट माइलस्टोन के लिए काम कर रहा है। हम आज भारत को इंडस्ट्री 4.0 और ग्रीन फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो गोल्स हासिल करना का है। हम ग्रीन मोबिलिटी पर बल दे रहे हैं और भारत की जो ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ स्टोरी है उसका फायदा ऑस्ट्रिया को भी हो रहा है। आज भारत के अलग अलग सेक्टर्स में 150 से अधिक ऑस्ट्रियन कंपनियां काम कर रही है। ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एस्पिरेशंस को पूरा करने में मदद कर रही है। मेट्रो डैम ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स, टनल जैसे अनेकों इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ऑस्ट्रिया की कंपनियां भारत में काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां की कंपनियां यहां के इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा भारत में अपना विस्तार करेंगे। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है लेकिन ऑस्ट्रिया के समाज में आपका योगदान प्रशंसनीय है। खास तौर पर यहां के हेल्थ केयर सेक्टर में आपके रोल की बहुत प्रशंसा होती है। हम भारतीयों की पहचान ही केयर और कंपेशन के लिए होती है। मुझे खुशी है कि ये संस्कार आप अपने प्रोफेशन में यहां भी साथ लेकर चलते हैं। आप सभी इसी तरह ऑस्ट्रिया के विकास में सहभागी बने रहिए। मैं एक बार फिर आप सबका इतनी बड़ी तादाद में यहां आने के लिए आभार जताता हूं। आप सबके इस उत्साह और ऊर्जा के लिए मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ऑस्ट्रिया का ये पहला दौरा बहुत ही सार्थक रहा है। एक बार फिर यहां की सरकार और यहां की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं।
आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है इस बार 15 अगस्त पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली होनी चाहिए। होगा ना? पक्का होगा? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को संबोधित किया। बढ़ते भारत उभरते भारत की जो छवि है उसका जिक्र किया। कहा, हमने लोकतंत्र का पर्व अभी अभी मनाया है, आपके यहां भी चुनाव होना है ऑस्ट्रिया में। पीएम ने कहा कि इस बार का 15 अगस्त और ज्यादा भव्य होना चाहिए। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर मिला। भारत ऑस्ट्रिया में कई सारी समानताएं भी हैं, ये भी जिक्र किया। तो भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है, पीएम ने इस बात का जिक्र किया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, भारत आज पांचवी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत तेजी से बढ़ रहा है, तीसरे कार्यकाल में 3 गुना काम करेंगे।